हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू ऑल्ड टाइम स्टडी विद आस्था प्रीवियस वीडियो में हमने माइनर्स के बारे में पढ़ा था कि हु इज़ माइनर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ माइनर व्हाट आर द टू माइनर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अनसाउंड माइंड एंड साउंड माइंड एंड वट आर द फॉर्म्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड वट आर द इफेक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड ऑन द एग्रीमेंट तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल अपलोड द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एंड क्वेरीज तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं पर्सन ऑफ साउंड एंड अनसाउंड माइंड कि साउंड एंड अनसाउंडेड माइंडेड वाला जो पर्सन होता है वो क्या होता है कौन होता है अनसाउंड माइंड पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साउंड माइंड वाला बंदा कौन होता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन ट्वेल्व के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो बंदा साउंड माइंडेड होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ सके और फिर उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के बाद एक रैशनल जजमेंट बना सके कि वट आर द इफेक्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हिम सो ए पर्सन इज़ ऑफ साउंड माइंड वैन ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन मेक अ रैशनल जजमेंट तो उसे हम साउंड माइंड वाला बंदा बोलते हैं अगर कोई भी इंसान कोई भी बंदा इन दो चीज़ों को इन चीज़ों को कैपेबल नहीं है समझने के लिए तो उसको हम अनसाउंडेड बोलेंगे इफ ए पर्सन डज नॉट सेटिस्फाइड एदर ऑफ द अबव कंडीशन देन ही और शी इज ऑफ अनसाउंड जैसे हमने पढ़ा कि साउंड माइंड वाला बंदा वो होता है जो टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ सके एंड देन उससे रिलेटेड रैशनल जजमेंट बना सके तो अगर वो ना ही तो रैशनल जजमेंट बना पा रहा है और ना ही टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ पा रहा है तो वो बंदा अनसाउंडेड अनसाउंड माइंडेड कहलाएगा अब हम फॉर्म्स ऑफ अनसाउंड माइंड पढ़ेंगे देर आर द फाइव फॉर्म्स ऑफ अनसाउंड माइंड दे आर ई डी लूनेसी और इंसैनिटी ड्रंकनेक्स और इंटॉक्सिकेशन हाइपनोटाइजम और मेंटल डिके हम फर्स्ट पढ़ेंगे ईडी ईडी क्या होता है जो पर्सन परमानेंटली और गॉड गिवन एडियट होता है उसे हम ईडी बोलते हैं वो एडिट इसलिए होता है क्योंकि जो लैको जो उसकी जो डेवलपमेंट है ब्रेन की वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं होती है देर इज़ अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इट इज़ अ गॉड गिवन एंड परमानेंट विद नो इंटरवल्स ऑफ टाइम इसका मतलब है कि वो हमेशा ही ईडियट रहता है ये नहीं कि वो कुछ टाइम के लिए ईडियट है और कुछ टाइम के लिए ईडियट नहीं है द मेंटल पावर ऑफ एन ईडियट आर कंप्लीटली अपसेंट बिकॉज दर इज़ अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन तो हम हम पढ़ते हैं कि जो बंदा ईडीओ सी होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे एग्रीमेंट पर जो एडियट होता है वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड का होता है ना ही तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकता है और ना ही वो रैशनल जजमेंट बना सकता है तो इसलिए अगर आप कभी भी ई के साथ एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड एग्रीमेंट होगा इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही और शी इज़ नॉट कैपेबल टू एंटर इंटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एंटर इंटू विद एन ईडियट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट अब हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं ज्ञानेश्वर बीस साल का बंदा है वो ईडियट उसने जन्म ईडियट लिया है गॉड गिवन एंड परमानेंट है वो एक फ़ाइव स्टार होटल में जाता है और वहाँ पे एक लग्जरी सा डिनर कर लेता है उसके बाद वो बिल पे नहीं कर पाता है तो अब वो ईडियट है जो भी एग्रीमेंट हुआ है होटल एंड ज्ञानेश्वर के बीच में कि वो खाना खाएगा और वो बिल पे करेगा वो अब वर्ड एग्रीमेंट माना जाएगा क्यों क्योंकि क्यों, वो क्यों, जो बंदा है वो ईडियट है और ज्ञानेश्वर पर्सनली लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है वो परमानेंटली इडियट है गॉड गिवन है इसलिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट है ये वॉइड माना जाएगा अब हम सेकेंड फॉर्म पढ़ते हैं हु इज़ ए लूनेटिक लूनेटिक एक ब्रेन डिसीज होती है ब्रेन की बीमारी होती है कि आप गलती से एक्सीडेंटली आपको कोई सदमा है उसके कारण कोई लाइफ में इंसिडेंट हुआ है उसके कारण आप सदमे में रहते हैं आप टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ पाते हैं रैशनल जजमेंट नहीं ले पाते हैं लूनेटिक का मतलब होता है जो मेंटली इल होता है डेंजरस फुलिश और अनप्रिडिक्टेबल और जो अपने नॉर्मल पावर को लॉस कर देता है उसे मतलब को किसी सदमे में आप ये मान के चलिए कुछ लाइफ में उसका तो तो ऐसा घटा है जिसके कारण वो रैशनल जजमेंट नहीं ले पा रहा है वो इंटरवल से सफ़र करता है अब हम इंटरवल वाला अच्छे से समझेंगे लेट्स सी देखिए इस एग्जाम्पल से आपको लूनेटिक का सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा गायत्री फिफ्टी फोर ईयर्स की एक लेडी है उसके हस्बैंड कार एक्सीडेंट में मर गए देखो वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड नहीं थी एकदम से उसकी लाइफ में ऐसा कुछ घटा जिसके कारण वो अनसाउंड माइंड की बन गई तो उसे लूनेटिक बोलेंगे वो सदमे में है ठीक है शी लॉस्ट हर हस्बैंड तब से वो क्या है सदमे में है शी वेंट इन टू ए डिप्रेशन तो ऐसा जो मेंटली इल होता है डिशीज़ होती है इसे हम लूनेटिक में लेते हैं तो जब वो सदमे में थी तो उस दौरान उसने अपने घर बेचने का कोई एग्रीमेंट बनाया तो जो उसने वो एग्रीमेंट बनाया है वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा क्योंकि उस कंडीशन में वो नहीं है कि वो रैशनल जजमेंट ले सके एंड टर्म्स एंड कंडीशन समझ सके कॉन्ट्रैक्ट की क्योंकि उसकी कंडीशन क्या नहीं है नॉर्मल नहीं है शी इज़ इन डिप्रेशन ओके लेकिन अगर वो अगर वो ठीक हो जाती है आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर वो रिकवर हो जाती है एंड तब वो एग्रीमेंट में आती है तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा ठीक है तो ये होता है इंटरवल्स मतलब कि जिस टाइम आप डिप्रेशन में हैं मेंटली इल है उस टाइम अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा लेकिन जिस टाइम आप रिकवर कर जाते हैं बिल्कुल ठीक है हाँ आप बिल्कुल ठीक है उस टाइम अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या होगा वैलिड होगा तो इसका मतलब क्या है जो यूनिटिक फॉर्म है उसमें इंटरवल्स होते हैं लेकिन ईडी में कोई इंटरवल नहीं है वो परमानेंटली ही एडियट है गॉड गिवन है ओके okay, तो आप इडियट के साथ कभी भी एग्रीमेंट बनाएंगे वो वॉइड ही होगा लेकिन लूनेटिक के साथ अगर आप उसे इंटरवल में बना रहे हैं तो वो वॉइड है लेकिन अब वो ठीक है रिकवर कर चुका है कर चुकी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड होगा अब हम अपनी नेक्स्ट पढ़ते हैं हु इज ए ड्रंकर्ड एंड पर्सन अंडर इंटॉक्सिकेशन इट इज अ थर्ड फॉर्म इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी अल्कोहल के इफ़ेक्ट में हैं और अच्छे से सोच नहीं सम सोच नहीं सकते समझ नहीं सकते रैशनल जजमेंट नहीं बना सकते हैं तो अगर आप ऐसे बंदे के साथ कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा ठीक है उसे बोलते हैं ड्रंकर्ड कि वो बंदा क्या है अल्कोहल के इफ़ेक्ट में है अच्छे से कुछ सोच नहीं सकता और फिर होता है इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि आपने कोई हैवी डोज ले रखी है मेडिसिन ले रखी है आप किसी ड्रग्स के इफेक्ट में है तो उस टाइम आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे तो उस टाइम अगर आप कोई एग्रीमेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा ए ड्रंकड इज ए पर्सन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस एंड ऑफ एल्कोहल एंड देयर फोन कैन नॉट थिंक प्रॉपर्ली एंड मेक रैशनल जजमेंट ए पर्सन इज सेट टू बी अंडर इंटॉक्सिकेशन वेन ही और शी हैज़ कंज्यूम्ड ड्रंक्स ड्रग्स और मेडिसिन विच हैव द सेम इफेक्ट ऑन डिविंग हिम और हर ऑफ द पावर ऑफ द थिंकिंग अब आप कुछ सोच नहीं सकते हैं इन इसकी पोजिशन पढ़ते हैं जिस टाइम आप एल्कोहल के इफेक्ट में हैं अगर आप उस टाइम कोई भी एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा लेकिन अब आप एल्कोहल के इफेक्ट में नहीं है अब आप अच्छे से ठीक हो सोच सकते हो समझ सकते हो रैशनल जजमेंट बना सकते हो तो उस टाइम एग्रीमेंट वैलिड होगा उसी प्रकार इंटॉक्सिकेशन में अगर आप मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स में हैं या फिर हैवी डोज़ वगैरह या फिर ड्रग्स के इफेक्ट में हैं तो तो वर्ड एग्रीमेंट बनेगा लेकिन अगर अब आप ठीक है आप बिल्कुल ठीक है रिकवर कर चुके हैं अब आप उसके अफेक्ट में नहीं है इन्फ्लुएंस में नहीं है तो उस टाइम जो एग्रीमेंट बनेगा वो वैलिड एग्रीमेंट बनेगा ठीक है अब फोर्थ फॉर्म आती है हाइपनोटाइज हाइपनोटाइज का मतलब क्या होता है ये टेम्परेरी इनकेपेसिटी होती है जैसे कि ए में परमानेंट होती है ना जो गॉड गिवन होती है परमानेंट होती है विद नो इंटरवल्स वैसे ही हाइपनोटाइजम जो होता है वो टेम्प्रेरी इनकेपेसिटी होती है इसका मतलब जैसे कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लिप कि आप जब सोते हैं तो सोते सोते उठ जाते हैं सब मतलब कहा जाता है ना कि एक इंसान सोते सोते -स... उठा हुआ है और चल रहा है तो उस टाइम अगर आप कोई भी एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है रिकवर हो गए हैं बिल्कुल अब आप अपने ऐसे होशो अवाज में हैं अच्छे से एग्रीमेंट बना सकते हैं थिंकिंग कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है तो उस टाइम अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा एंड लास्ट मेंटल डिके इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज ये हमारा ओल्ड एज से रिलेटेड होता है जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम हमारी एज होती रहती है वैसे वैसे हमारी आदर्श खराब होती जाती है हम भूलते ज़्यादा है तो उसका जो इफेक्ट क्या होता है ओल्ड एज का होता है हमने फाइव फॉर्म्स पढ़ी एडियोसी सी परमानेंट होती है गॉड गिवन होती है और इसमें कोई इंटरवल्स नहीं होते कभी भी कोई भी कॉन् एग्रीमेंट बनाएंगे वो का सेकेंड हमने पढ़ी थी लूनेटिक लूनेटिक में क्या था इसमें इंटरवल्स होते हैं अगर आप उस टाइम इल है तो वॉइड और अगर आप रिकवर हो गए हैं तो वैलिड थर्ड हमने पढ़ी थी ड्रंक नेक्स और इंटॉक्सिकेशन ड्रंक नेक्स और इंटॉक्सिकेशन की अगर आप इफेक्ट में हैं इन्फ्लुएंस में है एल्कोहल के ड्रग्स के मेडिसिन के तो वॉइड और अगर आप नहीं हैं अब तो वैलिड नेक्स्ट उससे उससे पहले हमने पढ़ा था हाइपनोटाइज ये हमारी टेम्प्रेरी इनकेपेसिटी होती है अगर आप उस टाइम इनकेपेबल है तो वॉइड और अगर कैपेबल हो चुके हैं तो वैलड वैलिड और लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था मेंटल डिके ये हमारा ओल्ड एज से रिलेटेड होता है सो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल अपलोड द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एंड क्वेरीज़ सो थैंक यू गाइज बाय